तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ मुंबई के हाजी अली दरगाह में, तो इसे सन 1431 में बनाया गया था, तो इसका सारा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू। दोस्तों आप जहाँ कहाँ भी रहते होगे तो आपको आज जाना है मुंबई सेंट्रल में। इसके लिए आपको चर्च गेट की ट्रेन मिलेगी। तो मैं आ गया हूँ, तो अभी हम जाएंगे हाजी अली दरगाह में। तो उसके लिए आपको यहाँ से एक रूट मिलेगा, इसे आप नीचे उतर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक रास्ता मिलेगा सीधा अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से मैं अभी अंदर जाऊंगा, तो यहाँ से आपको एक रास्ता है, तो चलिए यहाँ से हम चलते हुए जाते हैं। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे टैक्सी देखने को मिलेगा जो 20 रुपए में आपको हाजी अली दरगाह के सर्कल पे छोड़ देगा। यहाँ पे आपको टनल देखने को मिलेगा, तो इसे आपको क्रॉस कर लेना है। तो इस गुफा से आपको गुजर के आना पड़ता है बाहर में। तो देखिए आ चुका हूँ हाजी अली दरगाह में। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे आपको बड़ा सा यहाँ पे ये समुद्र है। तो यहाँ पे सामने में हाजी अली दरगाह, तो यहाँ पे जो पानी के लाटे हैं वो सीधा हमारे मुंह पे आते हैं। काफी खूबसूरत सा नजारा है यहाँ पे। सामने में हाजी अली दरगाह है, तो चलिए यहाँ पे मंदिर चलते हैं। दक्षिणी मुंबई के वर्ली तट पर कम से कम 500 गज दूर यह अरब सागर में बसा हुआ हाजी अली दरगाह है। बाहर के पर्यटक और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे घूमने और दुआ मांगने आते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको खाने के लिए भी मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको भूखे नहीं जाने देंगे। खाने के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी देखिए 6 बज चुका है, तो यहाँ पे खाने के लिए भी मिल चुका है हमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा नाश्ता करेंगे। 4500 वर्ग मीटर में फैली ये हाजी अली दरगाह सन 1631 में हाजी उस्मान रंजीकर ने बनाई थी। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाएगी और समुद्र से घिरा हुआ यह हाजी अली दरगाह है। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहते हो तो आप 4 बजे के बाद ही यहाँ पे आना। आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिलेगा और सनसेट पॉइंट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। 16वीं शती में हाजी अली शाह यहाँ पे रहा करते थे। जब वो मक्का के लिए रवाना हुए तब उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनकी कफन को दफनाया ना जाए, उनकी कफन को पानी में बहा दिया जाए। लोगों ने उनकी अंतिम इच्छा को सम्मान में रखते हुए उनकी कफन को पानी में बहा दिया था, लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि उनका ताबूत अरब सागर में फेंता हुआ उसी जगह पे आके ठहरा जहाँ पर वो रहा करते थे। और ये अद्भुत और अविश्वसनीय बात थी, तो उनके अनुयायियों ने इसी जगह पे हाजी अली शाह दरगाह का निर्माण कराया। हाजी अली शाह एक सच्चे और एक नेक इंसान थे, शायद इसीलिए सन 1431 से अब तक कोई भी तूफान, कोई भी ज्वार की लहरें हाजी अली दरगाह के अंदर में आ ही नहीं सकती। बात करें हाजी अली शाह दरगाह के दिलकश नजारे के बारे में, तो यहाँ पे आपको बड़ा सा समुद्र देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, तो यहाँ पे आप बैठ के नजारे का आनंद ले सकते हो। सो दोस्तों अभी यहाँ का हमारा टूर पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।